हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। कस्तूरी हिंदी क्लासिक्स का चैप्टर 12 अध्याय 12 है। चैप्टर का नाम है सुनीति। इसका प्रश्न उत्तर करेंगे, तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें ताकि प्रश्न उत्तर कर सकें। जबानी बताओ, यानी ये है सो ओरल वाइज बोला है। तो पहला क्वेश्चन, राजा उत्तानपाद की कितनी रानियाँ थीं? तो इसका उत्तर होगा, राजा उत्तानपाद की दो रानियाँ थीं। कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक ही देखें। प्रश्न दो, राजा उत्तानपाद की बड़ी रानी का क्या नाम था? तो उत्तर होगा, राजा उत्तानपाद की बड़ी रानी का नाम सुनीति था। तीसरा प्रश्न, राजा उत्तानपाद की छोटी रानी का स्वभाव कैसा था? तो उत्तर होगा, राजा उत्तानपाद की छोटी रानी का स्वभाव अच्छा नहीं था। चौथा प्रश्न, राजा ने अपनी बड़ी रानी सुनीति का त्याग किसके कहने पर किया? तो उत्तर होगा, राजा ने अपनी छोटी रानी सुरुचि के कहने पर ही बड़ी रानी सुनीति का परित्याग किया। पांचवा प्रश्न, राजमहिषी कौन सी रानी थी? तो राजमहिषी बड़ी रानी थी। छठा प्रश्न, सुरुचि सुनीति के बारे में कैसे विचार रखती थी? तो उत्तर होगा, सुरुचि सुनीति के बारे में बुरे विचार रखती थी। अब अगला क्वेश्चन है, कलम उठाओ, लिखित प्रश्न उत्तर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहाँ है, इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। पहला क्वेश्चन है, पति द्वारा घर से निकाले जाने पर सुनीति कहाँ रहने लगी? तो उत्तर होगा, पति द्वारा घर से निकाले जाने पर सुनीति महर्षि अत्रि के आश्रम में रहने लगी। दूसरा क्वेश्चन, सुनीति के महल से चले जाने के बाद सुरुचि खुश क्यों थी? तो उत्तर होगा, सुरुचि इसी कारण खुश थी क्योंकि अब राजा उत्तानपाद केवल उसी के वश में होकर रह गया था। तीसरा प्रश्न, सुरुचि किसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी? तो उत्तर होगा, सुरुचि अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। चौथा प्रश्न, ध्रुव कहाँ का अधिपति बना? तो उत्तर होगा, ध्रुवलोक का अधिपति बना था। पांचवा प्रश्न, सुरुचि तथा सुनीति के स्वभाव में क्या अंतर था? तो उत्तर होगा, सुनीति का स्वभाव सरल सहनशील तथा अच्छा था, जबकि सुरुचि बुरे स्वभाव वाली महिला थी। छठा क्वेश्चन, सुरुचि ध्रुव को राजा से दूर क्यों रखना चाहती थी? तो उत्तर होगा, सुरुचि अपने पुत्र को ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, इसलिए वह ध्रुव को राजा से दूर रखना चाहती थी। सातवां क्वेश्चन, बालक ध्रुव को उसकी माता ने क्या समझाया? तो उत्तर होगा, माता ने बालक को समझाया कि तुम अपने पिता की गोद के बजाय परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठो। आठवां प्रश्न, बालक ध्रुव वन में क्यों गया? तो उत्तर होगा, बालक ध्रुव तपस्या करने के उद्देश्य से वन में गया। नवा प्रश्न, बालक ध्रुव का व्यक्तित्व कैसा था? तो उत्तर होगा, बालक ध्रुव का व्यक्तित्व एक साधु बालक के समान था। दसवां क्वेश्चन, पिता की गोद से उतार कर सुरुचि ने ध्रुव से क्या कहा? तो उत्तर होगा, पिता की गोद से उतार कर सुरुचि ने बालक ध्रुव से कहा कि अगर तुम्हें महाराज की गोद में बैठना था तो उस अभागी माता के बजाय उसकी अपनी कोख से जन्म लेना था। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा, इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दें। ठीक है, लंबा क्वेश्चन आंसर है। पहला प्रश्न, राजा उत्तानपाद ने सुनीति का परित्याग क्यों किया? तो विस्तार से बताइए। तो उत्तर होगा, राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी सुनीति से
अपनी पत्नी सुनीति को बहुत अधिक प्रेम करते थे। राजमहल के सभी कार्यों में उसे उच्च स्थान तथा सम्मान प्रदान करते थे। उनकी छोटी रानी सुरुचि अत्यधिक चतुर तथा बुरे स्वभाव वाली महिला थी। उससे सुनीति का इतना सम्मान सहन नहीं होता था। वह राजा को अपने वश में रखना चाहती थी, इसी कारण उसने राजा को सुनीति के विरुद्ध भड़काकर महल से निकलवा दिया। दूसरा प्रश्न, पिता की गोद से उतारे जाने के बाद दुखी बालक को सुनीति ने क्या शिक्षा दी तथा उसका क्या परिणाम निकला? तो उत्तर होगा, सुनीति ने दुखी बालक ध्रुव को समझाया कि वह अपने पिता की गोद में स्थान पाने के बजाय परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठने का प्रयास करें। परमपिता परमेश्वर की गोद से ऊंची संसार में है और कोई गोद नहीं है। अपनी माता से प्रेरित होकर बालक ध्रुव ने कठोर तपस्या की तथा एक दिन ध्रुव लोक का अधिपति बना। तीसरा प्रश्न, इस कहानी से मिलने वाली सीख को अपने शब्दों में लिखो। तो उत्तर होगा, इस कहानी से सीख मिलती है कि मनुष्य का बुरा स्वभाव स्वयं उसे ही पतन की ओर ले जाता है, जबकि उदात्त स्वभाव तथा परमेश्वर के प्रति सच्ची लगन और निस्वार्थ भाव उसे संसार में ऊंचा स्थान दिलाता है। जैसे कि बालक ध्रुव को परमेश्वर ने ध्रुव लोक का अधिपति बनाया। अब भाषा मंच व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है, इन शब्दों के अर्थ बताइए। ठीक है, उत्कंठा का मतलब होता है लालसा, सांत्वना का अर्थ है सहानुभूति, द्वेष का मतलब है वैर, विवेक का अर्थ धैर्य, क्रोधांग्नि का मतलब होता है क्रोध रूपी अग्नि, तिरस्कार का अर्थ है अपमान। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषणों से संज्ञा बनाइए। ठीक है, विशेषण से संज्ञा बनाना है। विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताता है। असंज्ञा किसे कहेंगे? किसी प्राणी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो परित्यक्ता का संज्ञा होगा परित्यक्त, सात्विक का संज्ञा होगा सात्विकता, व्यथित का संज्ञा होगा व्यथा, धार्मिक का संज्ञा होगा धार्मिकता, तेजस्वी का संज्ञा होगा तेज, तिरस्कृत का संज्ञा होगा तिरस्कार। अब है लिंग बदलिए। लिंग बदलना है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। ठीक है, गुणवान का गुणवती, परित्यक्त का परित्यक्ता, अभागा का अभागी, तपस्वी का तपस्विनी, उत्तराधिकारी का उत्तराधिकारिणी, परमेश्वर का परमेश्वरी। ठीक है, इस प्रकार लिंग बदल जाएगा। उसके आगे है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक लिखिए। ठीक है, उल्टा शब्द लिखना है। जैसे राजा का रंग, सुंदर का विपरीत होगा असुंदर, दिन का विपरीत होगा रात, प्रधान का अप्रधान, आशा का विपरीत निराशा, बालक का विपरीत बड़ा, इतना का विपरीत उतना, देखना का विपरीत सुनना, समीप का विपरीत होगा दूर। ठीक है, विपरीत इस प्रकार है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को पढ़ो। जैसे राजमहल, यज्ञशाला, बैलगाड़ी, रसोई घर। ठीक है, तो ये शब्द तत्पुरुष समास के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यथा राजमहल में महल प्रधान है। ठीक है, तो दूसरा पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजमहल में महल प्रधान है क्योंकि यहाँ महल का बोध हो रहा है। इसी तरह यज्ञशाला में यज्ञ की ओर नहीं बल्कि शाला की ओर संकेत किया गया है, इसलिए यज्ञशाला में शाला की
प्रधान है इसलिए तत्पुरुष है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजमहल, इसमें महल प्रधान है इसलिए राजमहल तत्पुरुष समास हो गया। यज्ञशाला, इसमें शाला यानी घर प्रधान है इसलिए यज्ञशाला तत्पुरुष समास है। बैलगाड़ी, इसमें गाड़ी प्रधान है, गाड़ी शब्द प्रधान है इसलिए बैलगाड़ी, ये तत्पुरुष समास है। रसोई घर, घर जो है सो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है क्योंकि यज्ञ रसोई घर है सो उसमें घर प्रधान है। ठीक है, रसोई घर में कौन सा शब्द प्रधान है? तो घर प्रधान है इसलिए ये तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है, आगे हैं रचनात्मक उड़ान। पहला है, इस पाठ में प्रयुक्त शब्दों की वर्तनी के नए एवं पुराने रूप देखिए। ठीक है, तो पुराना रूप और नया रूप करना है। जैसे सुंदर का, जैसे सुंदर इस प्रकार लिखाता था, सुंदर में ऊपर अनुस्वार आ गया। उतान पान, ठीक है, तम र होता था इसी में आधा त, ठीक है, तथा संयुक्त हो गया। यहाँ संबंध, संबंध में आधा म ऊपर देखिए अनुस्वार संबंध हो गया। तो पसंद, यहाँ दंत न आता था, अब है ऊपर अनुस्वार लिखाता है। द्वारा, द में वह होता था, अब आधा द वा रमकारा द्वारा अब लिखाता है, किंतु में आधा दंत न होता था लेकिन यहाँ पर अनुस्वार होता है, नया रूप हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इस कहानी से मिलने वाली सीख को सरल शब्दों में प्रकट कीजिए। ठीक है, तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बुरी प्रवृत्ति हमेशा हानि पहुंचाती है तथा अच्छी प्रवृत्ति सुख तथा संतोष प्रदान करती है। तो क्या सीख मिलना है, इस चीज़ को लिखना था। आगे हैं परख के मंच पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, बालक ध्रुव के व्यक्तित्व के बारे में बताइए। बालक ध्रुव का व्यक्तित्व कैसा था? तो उत्तर होगा, बालक ध्रुव एक राजा का पुत्र होते हुए भी एक साधारण ऋषि कुमारों से जीवन व्यतीत करता है। उसे राजसी सुविधाएं तो प्राप्त होती ही नहीं बल्कि पिता के पुत्र का स्नेह भी प्राप्त नहीं हो पाता। फिर भी बालक अपनी माता की प्रेरणा से जंगल में जाकर कठोर तप करता है तथा परमेश्वर को प्रसन्न कर मनवांछित फल पाता है। बालक ध्रुव ने जो तप किया उसे वयस्क व्यक्ति भी साधारणतः नहीं कर पाता। अतः बालक ध्रुव को हम वास्तव में एक पूर्ण ऋषि कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यदि बालक ध्रुव के स्थान पर आप होते तो बताइए पिता के गोद से उतारे जाने पर अपनी सौतेली माता को क्या जवाब देते? ये तो अपना अपना मत है, अपने स्वयं से ये इस क्वेश्चन का आंसर अपने स्वयं से दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, सुरुचि का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो सुरुचि का चरित्र चित्रण कैसा है? तो उत्तर होगा, सुरुचि राजा उत्तानपाद की छोटी पत्नी थी। वह अत्यधिक सुंदर थी परंतु उसकी इससे भी बड़ी विशेषता यह थी कि वह बहुत अधिक चतुर तथा बुरी प्रवृत्ति वाली महिला थी। उसने सुनीति को सादगी का लाभ उठाते हुए उसे राजा की नज़रों से गिराया तथा उसे राजमहल से निर्वासित करके ही दम लिया। अतः सुरुचि में केवल अवगुण और द्वेष जैसे भाव ही दिखाई पड़ते हैं। ये सुरुचि का चरित्र चित्रण हुआ। ठीक है, उसके आगे हैं अपना विकास अपने हाथ। पहला क्वेश्चन है, इस कहानी से कोई पांच तद्भव तथा पांच तत्सम शब्दों का चयन कीजिए तथा अपने अर्थ बताते हुए वाक्य बनाइए। ठीक है, तत्सम, तद्भव और तत्सम। ठीक है, जैसे पुत्र बेटा, ठीक है, पुत्र और पिता में प्रेम होना चाहिए, मस्तक माता, सदा मस्तक उठाकर जियो, विवाह ब्याह, बेटी के विवाह में पिता ने बड़ी धनराशि खर्च की, परीक्षा परख, नरेश अपनी परीक्षा में पास हो गया, स्नेह ने अपने से छोटों को पूरा स्नेह दो। इस प्रकार से ये इस पॉइंट का आंसर होगा इस प्रकार। अब है तद्भव, तद्भव में से माँ, माँ यानी माता, अपनी माँ का सदैव कहना मानो।
राजा नरेश। राजा उत्तानपाद ने सुनीति को महल से निर्वासित कर दिया। सांप सर्प। सांप को देखते ही नेवला उस पर झपट पड़ा। सूरज सूर्य। सूरज निकलते ही किसान खेतों की ओर चल पड़े। हृदय है। सुनीति का हृदय निर्मल था। ठीक है, इस प्रकार से तत्सम और तद्भव लिख करके उसका अर्थ बना के और उसका वाक्य बनाना था। फिर है, ऐसे ही किसी कहानी को पढ़िए तथा उसका सार अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो इस कहानी को अपने से पढ़ना है। चैप्टर 12 सुनीति का ये क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये प्रश्न उत्तर कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।